कोरबा के संजय नगर में बदमाशों ने घर में की आगजनी, तोड़फोड़ और नकदी किए पार। बदमाशों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल। घटना सिटी कोतवाली थाना से महज कुछ ही दूरी पर संजय नगर में सामने आई है। फेरी करने वाले मुलायम यादव ने बताया कि बाजार करके घर आए, फिर पूजा करने चले गए। वाहन चालक से कुछ सामान गाड़ी में लोड कराए थे। सुबह 100 रुपए में बात हुई थी, 40 रुपए दिए थे। शाम को फिर आया, फिर से 100 रुपए दिए, घर में आग लगा दिए। टीवी, वॉशिंग मशीन चोरी कर 31,000 रुपए भी नगद पार कर दिए। सभी आरोपी नशे की हालत में थे, चाकू लेकर घूम रहे थे। डायल 112 को भी 3 बार सूचना दी गई, लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे। पीड़ित परिवार ने सिटी कोतवाली पुलिस को घटना की जानकारी दी है। इस घटना ने रात्रि पुलिस गश्त की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ पर हम लोग थे, बाजार करके आए जौन भाई, तो हम लोग आए थे, कुछ नहीं हुआ था तब। उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करने चले गए, उसके बाद वो आया जौन भाई, हम लोग उधर चले गए मामा के यहाँ। तो आया जौन भाई, उससे गाड़ी हम लोग लोड करवाए थे सुबह में, तो बोला कि 60 रुपए बात हुआ था 100 रुपए पे, तो 40 रुपए उसको दे दिए, बोले शाम को दूंगा। तो शाम को हम लोग आए तो बोला कि दे, तो 100 रुपए उसको दिए हम लोग 100 रुपए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए उधर, तो आया वहाँ से तोड़ करके और यहाँ जो आग लगा दिया है, और पैसा रखा था 31,000 रुपए, पैसा भी पार कर दिया, और गाड़ी में भी वहाँ शीशा वीशा फोड़ रहा है। अब 30-35 लोग आए थे उसके, जानते हैं ना, सब यही मोहल्ले के हैं, उसके दोस्त आर हैं, नशा करते हैं। इस घर में मेरा यही तक जला है भाई, 31,000 रुपए जला है यही। बाजवाड़ वगैरह, हाँ, टीवी वहाँ पार हुआ है, कूलर तोड़ दिए, वॉशिंग मशीन पार किया है, सीट फोड़ दिया है, देरी हो गया है। 3 बार हो गया, ये इस बेरी पकड़ाया है तो। अरे जानकारी दिए थे 3-4 बेरी, नहीं आया वो, कुछ नहीं मिला, बलवा हो रहा था, चाकू लेकर घूम रहा है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।